एंड वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ निकिता गुप्ता एंड आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो एक बैग की हॉल वीडियो है जिसमें मैंने दो सेम बैग लेके आया हुआ है, जो हैंड बैग होते हैं ना वो बैग लेके आया हुआ है, और दोनों मैंने डिफरेंट ऐप से मंगवाया है और दोनों की जो प्राइस है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो एक जो है वो मैंने शॉपसी से मंगवाया है और एक जो है वो मैंने मीशो से मंगवाया है। तो दोनों का जो प्राइस है वो बहुत डिफरेंट है, और जो मैंने शॉपसी से लिया है उसका प्राइस बहुत कम है और जो मैंने मीशो से लिया है उसका जो प्राइस है वो अफोर्डेबल है। तो दोनों में मैं वही तुलना करने वाली हूँ, कंपेयर करने वाली हूँ कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, आपको किसके साथ जाना चाहिए। शॉपसी का रिव्यू देने वाली हूँ, शॉपसी के बैग का जो मैंने बहुत ही कम प्राइस में लिया है। तो देख सकते हो ये शॉपसी का हैंड बैग है जो कि लेदर का बैग है, ब्लैक कलर में। देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है। तो ये मैंने ओनली 149 रुपीज में लिया है शॉपसी से, ओनली 149 में, और ये मुझे ऐसा रिसीव हुआ है, देख सकते हो। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक चैन इसमें दिया हुआ है एंड और इस टाइप का देख सकते हो इसमें प्रिंट किया हुआ है, एंड ये छोटा सा जो हैंडल होता है उस टाइप का दिया हुआ है, देख सकते हो। तो ये मैंने 149 रुपीज में शॉपसी से लिया है, जैसा दिखाया गया था सेम वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है, बट उसमें थोड़ा साइन दिखाया गया था बट इसमें साइन नहीं लग रहा है, ये थोड़ा मैट लुक वाला जो होता है ना उस टाइप की है। तो 149 रुपीस में अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अगर आपकी जो बजट है वो बहुत ज़्यादा कम है, बट अगर क्वालिटी वाइज बोला जाए तो ये थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लगता है, बट लुक अच्छा दे रहा है। अगर आपकी बजट बहुत ज़्यादा ही कम है तो आप इसके साथ जा सकते हो। देन सेकेंड जो बैग है वो मैंने मीशो से मंगवाया है, जो कि 280 रुपीज़ या 350 रुपीज़ में मैंने मीशो से लिया है। तो वो देख सकते हो ये बैग है, तो इसकी क्वालिटी देख सकते हो। इसमें भी जो प्रिंट है वो सेम है, ये भी लेदर का है, और देख सकते हो इसमें जैसे उसमें प्रिंट था सेम ऐसे ही इसमें भी प्रिंट है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा ये चेन लगा हुआ है गोल्डन का, और इसका भी जो हैंडल है वो भी छोटा है और ऐसा है, देख सकते हो, इसको हटाया नहीं जा सकता है, बट इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, ये बहुत कड़ा है। अगर इसमें आप कुछ नहीं भी डालते हो फिर भी इसमें वॉल्यूम बना रहता है, देख सकते हो ये फुला फुला लग रहा है, बट तो उसमें जो था वो फुला फुला नहीं लग रहा था। अगर आप उसमें कुछ भी नहीं डालते हो तो पिचका पिचका सा दिख रहा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, चीप क्वालिटी में लग रहा था, बट इसमें अगर आप कुछ नहीं डालते हो तो ये पिचका पिचका नहीं दिखता है, जिससे ये रिच क्वालिटी में दिख रहा है। और इसकी जो चेन की क्वालिटी है ये भी बहुत अच्छी है, गोल्डन कलर का चेन लगा हुआ है, देख सकते हो। और इसके अंदर आप देख सकते हो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है, और अंदर भी एक चेन दिया हुआ है जिसमें आप कुछ भी छोटा मोटा रख सकते हो, देन अंदर और एक चेन दिया हुआ है, ये देख सकते हो, और अंदर इसमें जो है लाइनिंग लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छा इसका क्वालिटी है, बट वो जो बैग था उसमें लाइनिंग नहीं लगा हुआ था। तो ये 350 या 280 या समथिंग में लिया है, तो प्राइस मैं साइड में लगा दूंगी तो आप देख लेना। तो यह जो कि मैंने अलग अलग वेबसाइट से मंगाया है, अलग अलग ऐप से मंगवाया है, ये शॉपसी से और ये मीशो से, तो ये 350 में था, ये 149 में था। तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस कितना है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। ये थोड़ी चीप क्वालिटी में लग रही है, थोड़ी छोटी भी है, और ये थोड़ा रिच क्वालिटी में लग रहा है, साइन भी है, ये थोड़ा मैट लुक में है। तो अगर आपके पास पैसा है, आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं बोलूँगी कि आप इसके साथ जाओ, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कम दाम में कुछ अच्छा लुक क्रिएट करना चाहते हो, तब आप शॉपसी के साथ इस बैग के साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप इसको लो। तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बट इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, बट 149 रुपीज़ के तुलना में ये बहुत अच्छा है।
और ये 350 में भी बहुत अच्छा है। तो दोनों अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, बट अगर आप लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगी इसके साथ जाओ। अगर आपकी जो पॉकेट मनी है वो थोड़ा हाई है तो आप इसके साथ जा सकते हो, और अगर थोड़ी लो है देन आप उसके साथ जाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय।